फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लासा एंड क्रुगमैन्स मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। देखिए, जो आज की क्लास का टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों ने यूपीएससी का 2016 का पेपर खोला होगा तो 2016 में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल पे एक क्वेश्चन आया है। बट वहां पे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं, वहां पे हम लोगों से क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ओलिगोपोलिस्टिक इंट्रा ट्रेड मॉडल के बारे में, इंट्रा इंडस्ट्री मॉडल के बारे में, ठीक है। तो लेकिन जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, दिस इज ब्लासा एंड क्रुगमैन्स मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। और अगर आप लोगों ने 2016 का पेपर देखा होगा, वहां पे आप लोगों को क्या पूछा गया है, दे आस्क यू अबाउट द ब्रांडर एंड क्रुगमैन्स मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। तो दोनों में फर्क क्या है, पहली बात, ये जो मॉडल है दैट इज द ब्लासा एंड क्रुगमैन्स मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ये हमारा कौन सा मॉडल बनता है, दिस इज अ मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। पहली बात आप लोगों को क्या याद रखनी है कि ब्लासा एंड क्रुगमैन्स मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इट इज ऑल्सो नोन एज द मोनोपोलिस्टिक मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, पहली बात। अब 2016 में जो क्वेश्चन आया है वहां पे उन्होंने क्या पूछा है, वहां पे दे आस्क यू अबाउट द ब्रांडर एंड क्रुगमैन्स मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है। तो जो लोग सिर्फ यही मॉडल पढ़कर जाएंगे एग्जाम में, उन वो लोग काफी नहीं क्या सोचते हैं, क्योंकि काफी नहीं मैंने देखा है कि मोनोपोलिस्टिक मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड काफी जगह पे इसका अल्टरनेट नाम नहीं मेंशन किया गया है। तो वो लोग क्या करेंगे एग्जाम में, वो ब्रांडर और ब्लासा को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्लासा एंड क्रुगमैन मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज नॉट योर ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल जो 2016 में पूछा गया है, वो यहाँ पे जो ब्लासा एंड क्रुगमैन मॉडल है दैट इज अ मोनोपोलिस्टिक मॉडल, जो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे, जो आगे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की एक और क्लास आएगी उसमें हम लोग देखेंगे ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो 2016 के अंदर आप लोगों से पूछा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले क्या बताया, ब्लासा एंड क्रुगमैन मॉडल का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मोनोपोलिस्टिक मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। तो इसी को मैं बाइफर्केट करती हूँ दो नाम पे। एक आप लोगों को कीवर्ड क्या दिख रहा है, मोनोपोलिस्टिक मॉडल, एंड अनदर वन इज इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ा होगा। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से क्या आता है, दिमाग में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, जिन लोगों को प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल शेयर करती हूँ इस यहाँ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपनी इकोनॉमी के अंदर, काफी कंपनीज क्या करती है, सोप प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल सोप के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लक्स है, हमारे पास पियर्स है, हमारे पास डव है, एंड सो ऑन, काफी कंपनीज आपको मिलेगी क्या प्रोड्यूस करते हुए, सोप। तो हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है दैट इज सोप। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सारे क्या कर रहे हैं, सारे प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं सोप। बट जो इनका प्रोडक्ट है ये एंटायरली, हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हम यहाँ पे अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या बोलते हैं, ये चीजें क्या है, दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर आपको लक्स नहीं भी मिल रहा अपनी मार्केट के अंदर, आप स्विच कर सकते हैं डव की तरफ, आप स्विच कर सकते हैं पियर्स की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन।
अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर आप लोगों को कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलता है तो ध्यान रखना दीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दीज आर व्हाट, दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में, बट जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके की प्रोडक्ट्स की हो रही है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, दीज आर ऑल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। पहली बात क्लियर, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बारे में आप लोगों को ब्रीफ आइडिया मिला कि हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पहली बात। अब दूसरी बात क्या आती है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। देखिए इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो ट्रेड है वो सेम प्रोडक्ट पे हो रहा है। तो यहाँ पे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा ट्रेड किस पे हो रहा है, सेम प्रोडक्ट पे। अगर हम जैसे अभी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मॉडल पढ़ रहे हैं तो हमारा ट्रेड हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। तो अगर हम एज्यूम करें कि यूरोप की दो कंट्रीज है जो क्या कर रही है, जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड स्वीडन, उन दोनों कंट्रीज के बीच क्या हो रहा है, दे आर डूइंग व्हाट, दे आर डूइंग इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है, किस प्रोडक्ट का कर रही है, कार्स का कर रही है। और अगर आप कार को ध्यान से देखेंगे, जब हमने बोला कि कार का इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो रहा है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है कि यूके क्या करेगा, यूके इंपोर्ट भी करेगा, यूके एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यूके क्या करेगा, यूके इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट कार फ्रॉम स्वीडन। समझ आया, यूके सिर्फ मंगवा नहीं रहा, इंपोर्ट नहीं कर रहा, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो टू वे प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यूके ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया सेम कमोडिटी का। तो इस तरीके के ट्रेड को हमने क्या बोला, हमने बोला दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या है, मोनोपोलिस्टिक मॉडल क्या है। अब हमारा क्या था, हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मोनोपोलिस्टिक मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। जो इकोनॉमिस्ट ने ये मॉडल दिया उनका नाम याद रखिए, ब्लासा एंड क्रुगमैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा 1958 में एक इंपेरिकल स्टडी इन्होंने कंडक्ट की, इन्होंने देखा कि जब 1958 का डेटा इन्होंने लिया, इन्होंने देखा कि यूरोपियन इकोनॉमीज में, जो यूरोप में कंट्रीज है, वहां पे जब ट्रेड बैलेंस को हटा दिया, जब ट्रेड बैलेंस को हटाया तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे फ्री मूवमेंट स्टार्ट होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की फ्री मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो इन्होंने उसके बाद देखा क्या, उन्होंने देखा कि वहां पे जो यूरोपियन इकोनॉमीज है, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमीज मतलब जो यूरोप की कंट्रीज है, वहां पे उन्होंने देखा कि बेशक उनके सिमिलर टेस्ट थे, बेशक उनकी सिमिलर प्रेफरेंस थी, बेशक उनका सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हुआ, इंक्रीज। पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे वो बोल क्या रहा है, बेसिकली ब्लासा और क्रुगमैन ने बोला कि हमने क्या किया, जब 1958 में स्टडी की तो उन्होंने वो देखा क्या, जैसे सपोज हम यहाँ पे बात करें, दो कंट्रीज की बात करते हैं, स्वीडन और यूके की। स्वीडन और यूके में भी वो बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज में क्या है, दे हैव सिमिलर टेस्ट। ठीक है, सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, दे हैव सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे प्लीज ध्यान देना कि जब उन्होंने बोला कि दे हैव सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट, वो किसकी बात कर रहे हैं, सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट की, दे आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन इकोनॉमी, जहां पे क्या है कि सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट, इसका मतलब क्या है, सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब है कि दे हैव, यूरोपियन इकोनॉमीज हैव सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने बोला कि जो यूरोपियन इकोनॉमीज है वहां पे सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हमें क्या दिखा, जब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया
वहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज किया। अब इसके पीछे जो रीजन है उन्होंने क्या दिया, नंबर वन, जब ब्लासा ने अपनी स्टडी इंडिपेंडेंटली कंडक्ट की उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो रीजन है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो ब्लासा ने क्या बोला, ब्लासा ने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वहां पे, बिकॉज ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वहां पे एग्जिस्टेंस किसकी है, एग्जिस्टेंस इज ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देखिए क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि अगर डव है पियर्स है दोनों साबुन है, अगर आपको डव नहीं मिलेगा आप पियर यूज कर सकते हैं, बट आप लोग साबुन को भी छोड़िए आप लोग शैम्पू पे आइए। ठीक है, अब लड़कियां जो होती है लड़कियां बहुत स्पेसिफिक होती है कि हमें कौन सा शैम्पू यूज करना है। अगर कोई लॉरियल यूज कर रही है वो हेड एंड शोल्डर नहीं यूज करेगी, कहने को तो शैम्पू ही है। ठीक है, एक की जगह दूसरा हम यूज कर सकते हैं और अगर आपको नहीं मिलेगा आप यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आप यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दोनों प्रोडक्ट के बीच क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंशिएटर, कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएटर को एनालाइज कर रहे हैं। तो ब्लासा ने भी अपने मॉडल पे क्या बोला, उन्होंने बोला मार्केट के अंदर परफेक्ट सॉरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है रादर देन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से क्या बोलना चाह रहे हैं वो ब्लासा ने बोला कि देखिए यूरोपियन इकोनॉमीज में बहुत सारी कंट्रीज है, तो जब हम यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं तो हर कंट्री क्या करेगी, सारी वेराइटीज को प्रोड्यूस नहीं करेगी। कुछ कंट्रीज क्या करेगी, पियर को प्रोड्यूस कर रही है, कुछ क्या कर रही है, लक्स को प्रोड्यूस कर रही है फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्या कर रही है, कोई और हमारे पास वेरियंट लाके दे रही है। कहने का मतलब क्या है, हर कंट्री के अंदर एक अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ब्लासा ने यही बोला कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज मार्केट्स के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने की वजह से हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है उसको पता है कि मेरे लिए काफी वेराइटीज का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। कुछ कंज्यूमर क्या करेंगे, लक्स की तरफ जाएंगे, कुछ कंज्यूमर क्या करेंगे, पियर्स की तरफ जाएंगे, एंड कुछ कंज्यूमर क्या करेंगे, डव की तरफ जाएंगे। कहने का मतलब है कंज्यूमर डिफरेंट वेराइटीज को अप्रोच करेंगे। क्लियर, ठीक है, यहां तक आपको समझ आया कि ब्लासा ने क्या बोला कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, कंज्यूमर को डिफरेंट कंज्यूमर डिमांड, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, और एक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, एक फैक्ट्री आउटलेट के लिए, एक कंट्री के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द वेराइटीज। हर वेराइटी को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बिकॉज रिसोर्सेज तो सेम है बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड, ठीक है, कैपिटल इज लिमिटेड। तो उन्होंने क्या बोला, पहली बार ब्लासा ने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को समझाया, फिर हमारे पास आए क्रुगमैन। क्रुगमैन ने बोला ठीक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वन पॉइंट, ठीक है, इट इज अ वन एस्पेक्ट की जिसकी वजह से इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ट्रेड बैरियर्स हटने की वजह से बेशक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो रहा है लेकिन फिर भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्रुगमैन ने क्या किया, क्रुगमैन ने ब्लासा का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो उठाया बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ साथ उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ही टॉक्ड अबाउट मोनोपोली पॉन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ब्रांड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर क्या करेगा, जो कंज्यूमर लॉरियल शैम्पू यूज कर रहा है वो लॉरियल ही करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसके लिए एक ब्रांड की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला ब्रांड वैल्यू की वजह से क्या है, जो आपका प्रोड्यूसर है ही इंजॉय सर्टेन अमाउंट ऑफ मोनोपोली पॉन। तो उन्होंने बोला इसीलिए बेशक काफी लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूरोपियन इकोनॉमीज में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड वैल्यू, दिस
ब्रांड वैल्यू का उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने ही नेम्ड इट एज मोनोपोली पॉल। उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड वैल्यू एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा। जो लोग लक्स की डिमांड करेंगे वो लक्स कहीं पे भी बन रहा है यूरोपियन इकोनॉमीज में, क्योंकि अब ट्रेड बैरियर भी रिमूव हो गए, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी कंट्री से उठ के उसी लक्स को लेने जाएंगे, उसी लक्स की डिमांड करेंगे। ठीक है, वो दूसरी मार्केट में प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, और जो पियर्स की डिमांड करेगा वो पियर्स को ही परचेज करेगा। क्लियर हुआ? तो ये रीजंस है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। क्लियर? और इसको प्लीज रीड करिए। ओपनिंग ऑफ द मार्केट विल इंक्रीज मार्केट साइज फॉर ऑल द फर्म। उन्होंने कहा कि जब क्या हो रहा है, इसकी वजह से स्वीडन का जो प्रोड्यूसर है उसके लिए क्या बन गई, उसके लिए यूके भी एक मार्केट बन गई, क्योंकि यूके के पीपल भी तो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं फॉर द प्रोड्यूसर जो कहां पे बैठा है, स्वीडन में। तो उन्होंने बोला लाइकवाइज यूके का जो प्रोड्यूसर है उसके लिए मार्केट क्या एक्सटेंड होगी, स्वीडन। लाइकवाइज फॉर ऑल द इकोनॉमीज। तो उन्होंने यही बोला, उन्होंने बोला कि क्रुगमैन ने क्या बोला कि ये जो मार्केट की ओपनिंग है, पहले तो यूके वाला यूके तक ही सीमित था, लेकिन अब वो उसके लिए क्या है, उसके लिए एंटायर स्वीडन भी खुल गया, एंटायर अदर कंट्रीज भी उसके लिए खुल गई, कहां पे, यूरोप में। तो उन्होंने बोला ये जो ओपनिंग ऑफ मार्केट है उसने मार्केट साइज बढ़ाया किसके लिए, सारी फर्म्स के लिए, रादर देन वन, सारी फर्म्स के लिए क्या हुआ, मार्केट साइज बढ़ा। और जब भी मार्केट साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फिर से हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज होगा। क्लियर यहां तक? जब अब देखिए ओपनिंग ऑफ मार्केट हुआ और मार्केट साइज जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगा। तो यहां पे क्या होगा, उसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो प्रोड्यूसर को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अब ज्यादा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है उसका स्केल ज्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज हुए एंड देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल किया। क्लियर? अब इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अब डायग्राम में हम दो चीजें देखेंगे, नंबर वन इज द डिमांड साइड एंड नंबर टू इज द सप्लाई साइड, और फिर वहां से हम डायग्राम को क्लब करेंगे। देखिए अगर हम डिमांड साइड की बात करें, हमें यहां पे भी क्या करना है, हमें यहां पे भी नंबर ऑफ फर्म्स जब इंक्रीज होंगी उसका इम्पैक्ट देखना है प्राइस एज वेल एज कॉस्ट के ऊपर, और सप्लाई साइड में भी हमें यही करना है। तो हम यहां पे देखेंगे, अगर डिमांड साइड पे हम बोल रहे हैं कि इफ आपका नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज करेगा, जब हमारा नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज करेगा तो आप लोग बताइए मुझे कि प्राइस क्या होगा, प्राइस फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा, जब भी नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा मार्केट के अंदर, तब मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। जैसे ही हमने देखा कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू फॉल इन द प्राइस। ठीक है, क्योंकि सबको क्या करना, एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव इन द मार्केट, और सर्वाइवल कैसे होगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा एट दैट पॉइंट ओनली उनकी क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट के अंदर होगी, उनके प्रोडक्ट की डिमांड तभी मार्केट पे होगी जब वो क्या करेंगे, जब वो कम प्राइस के अंदर सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है, डिमांड साइड पे जब भी नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज करेगी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल करेगा। व्हाई फॉल इन द प्राइस, बिकॉज कॉम्पिटिशन इंक्रीज करेगा एट दैट टाइम इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें हमारे पास कैसी फिगर आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हम नंबर ऑफ फर्म्स लेंगे, और यहां पे इस तरीके से आपको देखिएगा, जब हमारा नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रहा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इट विल फॉल। क्लियर? अब सप्लाई साइड पे अगर हम बात करें, जब आपका नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, फॉल करेगा, इंक्रीज करेगा, एवरेज कॉस्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका रीजन व्हाई एवरेज कॉस्ट इंक्रीज इज एट दिस पॉइंट. इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा सेल्वेटोर में. सेल्वेटोर में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल दिया हुआ है ये वाला, तो प्लीज वहां पे देखिए और कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर मेंशन करिए. ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज वो भी बताइए. ठीक है, तो जब आपका नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज करेगा तो मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगी. जब आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो कॉस्ट कर्व है दैट स्लोप्स अपवर्ड्स. तो यहां पे आप लोगों को क्या पता होगा, यहां पे हमारी डायग्राम कैसी बनती है सप्लाई साइड की. जब हमारा क्या बोला हमने, प्राइस ऑब्लिक कॉस्ट नंबर ऑफ फर्म्स, हमारा एवरेज कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग क्योंकि एसी इज इंक्रीजिंग व्हेन एन इंक्रीजेस. ठीक है, तो आपका सीसी कर्व भी हो गया, आपका प्राइस कर्व भी हो गया. अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हमें शो करना है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज करता हुआ. हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों डायग्राम्स को मर्ज करेंगे. ठीक है, ठीक है, इसी डायग्राम के ऊपर अब मैं डिमांड साइड भी इकट्ठे ही कंस्ट्रक्ट कर रही हूं. हमने बोला दिस इज द प्राइस कर्व एंड दिस इज द कॉस्ट कर्व. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पता चला कि ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, एट पॉइंट वन लेट से. हमने बोला इस पॉइंट में हमारी डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड क्या कर रही है, इंटरसेक्ट. बट आफ्टर ट्रेड, जब ट्रेड बैरियर्स हटे तो क्या हुआ, जैसे ही ट्रेड बैरियर्स मार्केट से हटे तो क्या हुआ, आप लोग मुझे बताइए. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साइज ऑफ द मार्केट इंक्रीज हुआ. जब साइज ऑफ द मार्केट इंक्रीज होगा तब क्या होगा, तब इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज किया था. इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज करने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, फॉल किया. जैसे ही हमने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल किया, इसका मतलब हमारी जो सीसी कर्व है वो क्या होगी, इट विल शिफ्ट. अब वो शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड. ठीक है, सीसी डैश मार्क कर देते हैं. अब जैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्केट के अंदर फॉल करेगी, जो बाहर न्यू प्लेयर्स थे जो अभी तक मार्केट में आए नहीं है, उनको क्या लगेगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए, हमें भी इंडस्ट्री पे आना चाहिए. तो नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी. तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पता चला कि इसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स भी इंक्रीज किया. और यहाँ पे पहले तो आप लोगों को पता चला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल किया. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फॉल किया, और दूसरा नंबर ऑफ फर्म्स भी इंक्रीज की. और यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स जब इंक्रीज कर रही है तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज किया. तो आप लोगों को पता चला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पे हम लोगों को कैसे डायग्राम बनानी है. ठीक है, अब हम कुछ इम्प्लीकेशन देखेंगे, इम्प्लीकेशन है इस मॉडल के, तो सो प्लीज रीड इट. सबसे पहली बात, हम लोगों को यहां से क्या पता चलता है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कैन बी अ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल ट्रेड इवन बिटवीन कंट्रीज विद सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट. ठीक है, और जैसे उन लोगों ने स्टडी भी किया था ब्लासा एंड क्रुगमैन ने, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा 1968 पे 47% जो ट्रेड था यूरोपियन इकोनॉमीज में वो कैसा था, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. तो 47% बहुत ह्यूज कॉम्पोनेंट है. ठीक है, तो उन्होंने वैसे ही उन्होंने यहाँ पे भी हमने लिखा, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कैन बी अ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल ट्रेड इवन बिटवीन कंट्रीज विद सिमिलर फैक्टर एंडाउमेंट. नंबर सेकंड, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्रेटर वेराइटी मिल रही है लोगों को. तो यहाँ पे हमने इसी चीज की बात की,
trade can lead to a greater variety and lower prices for consumers. Last point, in contrast to Hickster-Olin model, it is possible for all sectors to gain. ठीक है, जैसे हम लोगों ने Hickster-Olin में क्या बोला था कि जो लोग जो कंट्री लेबर सरप्लस है वहां पे क्या होगा, लेबर को ही बेनिफिट होगा, ठीक है, और कैपिटल को वहां पे क्या होगा, नुकसान होगा। बट यहाँ पे जो ये मॉडल है क्रुगमैन एंड ब्लासा का, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या होते हैं, गेन होता है। क्योंकि अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, ठीक है, हम कार इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कार एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कार इज अ कैपिटल इंटेंसिव गुड, तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो हमारा दोनों गुड्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जो हमारे सारे फैक्टर्स है उन सबको क्या होगा, बेनिफिट होगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को वैल्यूएबल लगा हो। अगर आज के लेक्चर पे फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पढ़िए। इसके लिए जो आप लोगों को बुक रेफर करनी है, दैट इज सेल्वेटोर, ठीक है, सेल्वेटोर पढ़िए। सेल्वेटोर पढ़ेंगे तो अगर फिर वहां से कोई डाउट अराइज होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।